सारे भारतवासियों और नेपाल वासियों को मेरी तरफ से नमस्ते। मेरा नाम है आर्यन और आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। इसका नाम है मैजिकल रिएक्शन। अगर आप मैजिकल रिएक्शन पे नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरे वीडियो जल्द से जल्द तक पहुंच सके। और पोस्टर देख के आप लोग नहीं समझे होंगे क्योंकि मैं भी नहीं समझा हूँ। जी हाँ, इस मूवी का एक राइस मालजी का एक फाइट सीन मिला है मुझे, जिसका नाम ही नहीं पता मुझे, बस एक क्लिप मिला है। काफ़ी अच्छा सा लग रहा है कि राइस मालजी का एक्शन सीन है उसमें, तो मुझे उसका नाम नहीं पता है। तो आप लोग ये वीडियो देख के आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि कौन सी मूवी है ये, क्योंकि मुझे कहीं पे भी नहीं मिला इसका नाम। और मैं नीचे कमेंट में भी जाके देखा तो कहीं पे किसी को नहीं पता। लोगों ने बोला है कि प्लीज़ मूवी नेम बता दिया जाए हमें, तो मेरे को तो नहीं पता लगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और महानायक रायसेमाल जी की हम क्या ही बात करें, जिन्होंने नेपाली फिल्म इंडस्ट्री को खड़ा किया है, जिन्होंने इतनी सारी फिल्में की हैं, हमने बचपन से देखी हैं DVD में, कैस्टो में, मतलब DVD CD वगैरह 10 रुपये किराए पर ला ला के हम इनकी फिल्में देखते थे। शंकर, अल्लारे, हामी तीन भाई और भी कर्तव्य है, बहुत सारी मूवी देखी है मैंने इनकी। पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनकी एक्टिंग का। मैं तो क्या पूरा नेपाल दीवाना है, आप लोग जानते हैं। महानायक ऐसे तो नहीं बने ये, और आज भी काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, और आज भी वही हैंडसम, वही चार्म, वही हेयर, वही फेस कट, मतलब बॉडी भी आज भी वैसी है। तो आज ये वीडियो रिएक्शन करने में मज़ा आने वाला है। तो मैंने सोचा यार, जो मैं देख रहा हूँ मैं अपने सब्सक्राइबर को भी दिखाऊँ ताकि वो भी फील वही कर सके जो मैं कर रहा हूँ। तो चलो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं रायसेमाल फाइट सीन। 1 2 3 एंड स्टार्ट। अच्छा, रायसेमाल बाहर गए हुए थे, उसकी फैमिली पे मतलब अत्याचार कर रहे हैं। अब गए तुम लोग, ये पंच में पावर है इनके ना। ये ओए होए, पंच घुमाते हैं ना, लगता है कि सच में मार रहे हैं भाई। बहुत बड़ी गलती कर दी भाई तुम लोगों ने, रायसेमाल के घर पे अटैक करके। ये चल बेटा, तू भी चलो। अच्छा, यहाँ के पहले के जो विलन है ना, लंबे बाल बहुत रखते थे मेरी तरह, पर मैं विलन नहीं हूँ। ये ओ भाई, उड़ गई। अच्छा, विलन है वो भी लंबे बाल, लंबे लंबे कोट पहन के आए यार। कहाँ मार पाओगे तुम रायसेमाल का यार। हैं? भारी पड़ गए। ओ डंडा, ये सबको फेंक दिया। सनी देओल वाला काम कर दिया रायसेमाल जी ने। डंडा कोई काम का नहीं आएगा बेटा। ओ बॉय, ये धोखे से मारा यार। पर रायसेमाल जी उठेंगे जरूर, लोग कुटाई करेंगे इनकी, रस्सी भी डाल रहे हैं। ये तो वही बात होगी, शेर को बंदी बना लिया, शेर को भी ऐसे पकड़ते हैं, शेर ही है रायसेमाल यार, नेपाल को बाघ। अब ये क्या डाल रहे हैं, साड़ी। तो विलन बहुत तगड़ा है भाई, तो घातक फिल्म वाला सीन हो गया यार ये तो। क्योंकि अकेला बंदा तो संभाल नहीं सकता रायसेमाल को, इसलिए सबने बांध दिया। तो मारेगा, डंडा मारेगा, हिम्मत है तो खोल के मारना भाई। फैमिली तो आएगी बचाने यार, अपने कोई, अपने को कोई मार रहा तो। oh,
छोड़ दे, बच जाएगा तू लास्ट में, नहीं तो तू गया किसी। गुस्सा देखो यार, ऐसे मतलब गुस्सा। कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, यही होता है। एक्टिंग देखो यार, एक्टिंग देखो, विलन तगड़ा लग रहा है मुझे यार। ओ चाकू मार दिया यार। पूरी फैमिली को खत्म कर दिया, घुसबंस आ गए मुझे यार। सुन लगाओ ले रो, यहाँ से वो जो भी ये विलन तगड़ा लग रहा है। सोने का परिचय हो, सबसे पहला अत्यंत आवाज देखो, आवाज सबसे परी, यही हालत होता। छोड़ दिया, छोड़ के चले गए। दो बहनें थी ना इनकी, तीसरी, तीन बहनें। ओ भाई तोड़ दिया, तीन बहनें थी, तीन बहनें। अब आ रहे हैं गांव वाले। बेचारे वो चाकू मारा यार, लड़कियां हैं। अच्छा इसके पापा भी थे शायद। पापा को भी मार दिया यार। आगे तमाशा देखने के लिए गुस्सा आता मुझे ऐसे को देख के, क्या करें। घातक फिल्म का थोड़ा लग रहा है मुझे वैसे, सही कुछ ना खत्म कहानी यार। मार इनको मार, हाँ सही किया। सहयोग मांगता है तो मेरे सब जिम तो लास्ट उस तो बस रहे रहने भाई को थे। आइए तो मेरे मेरे तो बस रहे रहने भाई को। डंडा मारो इनको, हाँ अच्छा किया, अच्छा किया। अब आगे तमाशा देखने के लिए, पहले तो दरवाजा बंद कर रहे थे। इमोशनल सीन है बहुत ज्यादा। मेरे भाई ने, अच्छा बच्चा तो बच गया, ये भाई है क्या? मूवी यार इमोशनल लग रही है बहुत ज्यादा। ये बच गया, बच गया। खत्म। इसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त है यार, काफी इमोशनल था और एक्शन सीन तो रायसमाल जी का था इसमें, लेकिन वो पीछे से वार किया उन्होंने ना, धोखे से सर पे डंडा मारा और रायसमाल जी काबू हो गए और फिर वो रस्सी से बांध के, साड़ियों से बांध के ऐसे करके उनकी बहनों को मार दिया, पापा को मार दिया। तो बड़ा इमोशनल सीन था। और जो हेल्प मांग रहा था, चाहते तो वो कितने लोग थे, वो जो गुंडे 10 लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन गाँव वाले तो
100 लोग भी हो सकते हैं, आराम से उनको मार मार के भगा सकते थे और उनकी बहनों को बचाया जा सकता था, लेकिन दरवाजा बंद कर दिया। और जैसे वो गुंडे चले गए तो आगे जी अपना दिखाने के लिए कि हाँ हम आए, तो इससे सही किया राय सेमाल ने, जो भी इस फिल्म में इनका करेक्टर है सही किया, वो मांस का डंडा उठा के घुमा दिया, सबको भगा दिया। अच्छा ही किया, जब तुम लोग बचाने नहीं आए तो अब क्या खाने आए हो यहाँ, तो निकलो यहाँ से, तो अच्छा किया। बहुत इमोशनल सीन था। और मैं आप लोग भी मुझे इस मूवी का नाम जरूर बता दें कमेंट में, ताकि मैं इसका अगला पार्ट रिएक्शन करूँ कि राय सेमाल ने बदला लिया कि नहीं अपने बहनों का और अपने पापा का, है ना। मुझे पता होना चाहिए, मैंने फिल्म देखा ही नहीं है, तो मुझे आप लोग कमेंट करके प्लीज बता दीजिएगा। तो मैंने तो भाई इस वीडियो को काफी फाइट सीन को एंजॉय किया, और जो इमोशनल सीन था उसमें थोड़े घूस बम्स भी आ गए मेरे, राय सेमाल जी की एक्टिंग देख के। उन्होंने जब ऐसे पकड़ के जो सारा घर ही तोड़ दिया, तो वो तो ताकत वाली चीजें तो उनको ऐसे भी सूट करती हैं, क्योंकि ताकत दिखता है उनके अंदर। मुझे मूवी का नाम बता दे तो मैं आगे इसका रिएक्शन करूंगा, कि देखेंगे कि उस विलन का क्या हाल किया, विलन भी तगड़ा था। तो चलो वीडियो काफी लंबी होगी, मिलता हूं अगली वीड़ियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। मेरे माता पिता का, भाई बहन का, दोस्तों का, पड़ोस का, मेरा भी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दे, और इस वीडियो पर लाइक कमेंट इस वीडियो को शेयर जरूर कर दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और पता चल सके कि राय सेमाल एक सुपरस्टार है पुराने, जिन्होंने इंडस्ट्री को खड़ा किया था। तो चलो मिलते हैं ऐसी अच्छी रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय नेपाल, जय भारत।